तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे, सब दिख रहा है। गड़बड़ा गया, नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल बाप बेटा का चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं कुछ मस्ती करने पूरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आज हम जा रहे हैं बिहार के जमुई जिला स्थित बामदा, एक छोटा सा गांव है और मेरा फ्रेंड अरविंद का गांव है, तो वहां हम जब जा रहे हैं आउटिंग के लिए, थोड़ा मस्ती करेंगे। हमने वहां के लिए जाने के लिए ई पास भी बनवा लिया है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो ये ई पास बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो अभी कोरोना के टाइम में तैयारी हो रहा है मैडम का। चलो शुभम, गाड़ी बाहर तैयार। ये है नंदन पहाड़ और ये घूमने का बहुत अच्छा, यहाँ पे पार्क और बच्चों के झूले हैं। जो आप देख रहे हैं ये पूरा बिल्डिंग्स, ये है देवघर का कुमैठा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हम आ गए हैं अब बांदा गांव। ये हम लोग आ गए हैं, ये जो है गांव से ज़्यादा शहर का लुक ही है। और ये किचन, वाह, ये इन लोगों का रिवाज है ऐसा करके, ये गेस्ट लोग का। सारा सामान वगैरह गाड़ी से निकल रहा है, देखिए दही, और ये है ब्रेड, गैस लेके आ रहा है। हाय अब्राहम, देखो उधर, बोलो हाय। 4 कैरेट अंडा है, 120 पीस। बेचारी एक शेफ बनाने वाला एक, और यहाँ खड़ा पूरा घेर लिया गया है, है? और यही अगर सब्जी रहता तो अभी कोई नहीं रहता है। और इसमें बनेगा टोस्ट, पोहा का अचार। बेसिकली ये खोआ है, उसमें अचार मिक्स हो गया है। देवघर का फेमस चमचम साइज का देखिए मजा, और उस पे खाने वाले जो है हमारे आजाद भैया मिठाई प्रेमी। एक बार में 22 मीठा, बाप रे, मिठाई के बहुत प्रेमी है। मटन मिले, नॉनवेज से कोई मतलब नहीं है, मिठाई मिल जाए आजाद भैया गदगद। भी लोग नाश्ता कर रहे हैं पूरा, और जो बार बार ही खराब हो जा रहा है, कौन सा तार कैसा सिस्टम है पता नहीं। अब आजाद भैया जो है इसको लगे हुए हैं जुगाड़ लगाने में, और ये पंखा बार बार हो जा रहा है बंद, गर्मी है बहुत। देखिए इंडियन जुगाड़, फिर हिलाने से चला है, थोड़ा चला है, थोड़ा सा चला, वहाँ हिलाने से चला। चल भाभी का डिटर्जेंट पाउडर चाभी। प्याज के आंसू हैं, सब कोई के आंसू, सबके आंख में आ गए प्याज के आंसू। ये इन्होंने कांड किया, इन्होंने ही सबको रुलवाया। और ये मटन बना रहा है अरविंद स्पेशलिस्ट, शुद्ध देसी मटन बन रहा है आज। नींबू चाय, इसका जो चाय पीने का मजा है कुछ और ही है। लहसुन और मिर्च को पूरा बढ़िया से कूट रहा है मसाले को।
कैसा लग रहा है रवि, आप तो कभी खाना वाना बनाते नहीं है? नहीं, कभी नहीं बनाता हूँ, लेकिन कूटने में बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, ये बारिश शुरू हो चुकी है झमाझम। एकदम घर का बना हुआ पत्तल, एकदम ग्रीन ग्रीन। आज भाभी नमक दे रही है, उस दिन बिरयानी दे रही थी। बबलू कुछ तो मेहनत किया है। पसंद है लेग पीस? ऐसे करो, ऐसे तो बोलो। हाँ पसंद है, यस। और ये मटन कैसा वाला? हाँ, ये मटन का भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आ गया अरविंद, गुड वन। बोलो मैं, बोलो मैं। छोटा सा गुहाल है, इसमें गाय बकरी, बहुत सारी बकरियां हैं भाई। भाई मटन कैसा लगा बताइए आप लोग, खाया कोई? वाह, अरविंद सक्सेस हो गया है। ये है पूरा गांव का आसपास का नजारा, यहाँ खेती वेती होती है। इस कढ़ाइया में मटन बना था भाई, पूरा खाली हो गया है, 6 किलो मटन। या चिकन, दो प्याजा, चिकन दो प्याजा। देवघर का जो दही है सुपर लाजवाब। ये फोटोग्राफी हो रहा है, देखिए गिर रही है। अरे देखिए, आप उनको देखिए, हमको 1 2 3 स्टार्ट। हाय हाय हाय, पकड़ लो, पकड़ लो भैया। अरे अरे अरे, पकड़ लो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग गया। देखिए फोटो, ये कौन सा स्टाइल है आप लोग बताइएगा। सूरज अपने बस में कर ले, सूरज अपने बस में करने का, लेकिन सूरज दिख नहीं रहा है इसमें। और अभी कटेगा केक। आज अब्राहम का कल बर्थडे था तो आग लगा रहा है, रवि आग लगाने में एक्सपर्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हारा ब्लॉग को हम सल्यूट करते हैं। ब्लॉगिंग कर रहा है और ये आतंकवादी है। हमेशा की तरह भाभी अभी केक बांटते हुए कुछ ना कुछ बांटते हुए दिख जाती हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, यस। सब कोई पैसा का हिसाब करते हुए, सब पैसा अपना लेना देना सब कुछ करते हुए। बर्तन जो है इसमें गाड़ी में रखा गया, बबलू का डिपार्टमेंट, बबलू के कार में। अरे ये चूल्हा रे चूल्हा। सभी लोग तैयार, अब हम लोग देवघर की ओर निकलने जा रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए हम लोग। बहुत दिनों के बाद इतनी हंसियां, इतने मजे किए हमने। हमको तो मजा आया, मजा आ गया बिल्कुल, एकदम फ्रेश फील कर रहे। 15 दिन के बाद फिर कहीं घूमने के लिए जाएंगे बस। तो यहाँ पे जो अभी खाना पचा नहीं है, लेकिन खाने की रात वाली तैयारी चल रही है। इतना मटन चिकन खा करके बोड़ा का सब्जी कैसे बनाया जाता है, इस पे चर्चा हो रहा है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे, सब दिख रहा है। ओके, करते हैं बाय। गड़बड़ा गया, बबलू आ जाता है। तो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति, तब तक के लिए बाय बाय। खास है अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी।